नवाड द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम नुक्कड़ नाटक कराया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो और ग्राहकों को ये बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया हो गया है। तो डिजिटल इंडिया में ज़्यादातर जो अपना मतलब व्यक्ति हैं उन सबको जो डिजिटल इंडिया से जुड़ना चाहिए। डिजिटल इंडिया से पैसों का जो लेन देन होता है वो नकदीकरण कम होगा और इंटरनेट के माध्यम से कार्य करेंगे, जनता करेगी तो पैसा जेब में कम रहेगा, जिससे फ्रॉड होने का या अपराध होने का या क्राइम जो होते हैं वो कम होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे बैंक। और लोगों को किस तरीके की बातें बताई जा रही हैं जागरूकता से, कि बैंक से संबंधित जो है जागरूक करने, बैंक से जागरूक के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से संबंधित तो उसमें एक ओटीपी आता है, जिस ओटीपी को 4 नंबर का होता है, वो कोड नंबर किसी को बताना नहीं है, कोई भी चाहे मैनेजर पूछता है या कोई और पूछता है, इसी की वजह से ज़्यादातर बैंक में फ्रॉड होते हैं। इन फ्रॉड को रोकने के लिए ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि जनता जागरूक हो जाए और अपने ओटीपी या कोड नंबर जो आते हैं वो किसी दूसरे को ना बताएं, जिससे उनके खाते का पैसे के खाते में जो रुपए होते हैं वो दूसरे के द्वारा निकाले ना जाए, फ्रॉड ना हो सके। ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन कहाँ कहाँ कर चुके हैं आगे? नुक्कड़ नाटक हमारे प्रोग्राम ये नवाड़ के द्वारा वित्त पोषित है, जो बरेली में आज 4 जगह किया गया है, तीसरा प्रोग्राम चल रहा है, 2 हो चुके हैं, एक हमारी ब्रांच है सिविल लाइंस में बटलर प्लाजा के पास में यूपी कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा हमने कराया था गांधी उद्यान पे, तीसरा ये बरेली कॉलेज गेट पे हो रहा है, 14 हम कराएंगे दामोदर पार्क में। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या आयोजित किया जाता है? हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैक्स सोसाइटियाँ होती हैं, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ, वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं जहाँ ग्रामीण जनता को डिजिटल लेन देन के विषय में बताया जाएगा। जनहित में क्या संदेश देना चाहेंगे? जनहित में यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसके डिजिटल इंडिया के विषय में जाने, जिससे उनका पैसा सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खाते बैंकों में खोलें, जिससे लेन देन जो है डिजिटल हो। अगर किसी तरीके का साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए साइबर क्राइम के लिए बैंकों में कोडिंग बनी हुई होती है, अगर किसी के साथ कोई अगर अपने से गलती नहीं की है, पास को ओटीपी नहीं बताया है, तो उसके लिए बैंक उचित कार्रवाई करती है और उसका समय पैसा समय से दिलाने की पूरी प्रयास करती है, जिसमें उसका मतलब जो क्षति है वो बैंक द्वारा पूरी कर दी जाए। सरकार द्वारा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो बहुत सी योजनाएं बैंक द्वारा संचालित की जा रही हैं, जनधन खाते खुलवाए जा रहे हैं, श्रमिकों के खाते खुलवाए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के लोन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं यूपी सरकार और भारत सरकार द्वारा, तो उनसे जनता जुड़े और उनका लाभ पाए, खुद जुड़े और लोगों को प्रेरित करे खाता खुलवाने के लिए, क्योंकि खाता खुलेगा तभी उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। श्रमिकों से रिलेटेड है, जनधन खातों से रिलेटेड है, सब्सिडी से रिलेटेड है, तो ये जनता उनसे खाते खुलवाएगी तभी लाभान्वित होगी। तो ये सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए जागरूकता अभियान चलाया गया है कि जनता अधिक से अधिक जुड़े, अपने खाते खुलवाए, उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करे जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। बस यही।